वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पिटबुल डॉग पालने का बिल्कुल सही तरीका कि कैसे हमें एक पिटबुल डॉग को घर में पालना चाहिए ताकि वो बिल्कुल भी अग्रेसिव ना हो, सभी के साथ फ्रेंडली बिहेव करे और वो किसी पर भी अटैक ना करे, चाहे वो घर का मेंबर हो या आस पड़ोस का। तो यही सब बताऊंगा मैं वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, स्किप ना करें। और दोस्तों जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे अप्रिसिएट मिलता है, अच्छा लगता है कि यार हमारी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों सबसे पहली बात बता दूं, आज के टाइम में पिटबुल एक ऐसी ब्रीड है जिसने सभी लोगों के मन में दहशत बना रखी है। क्यों यार, देखो दहशत इसलिए बनी थी क्योंकि कुछ इसके अटैक सामने आए थे जिसमें लोगों की मौत भी हुई थी, कई देशों में बैन भी है ये पिटबुल डॉग ब्रीड। इसलिए लोग इसको पालने से डरते हैं कि यार कहीं इसको हम पालें कहीं घर वालों पर अटैक ना कर दे, किसी आस पड़ोस वालों पर अटैक ना कर दे। जितना इस ब्रीड को बदनाम किया गया यार उतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छा वॉच डॉग है, गार्ड डॉग है, मतलब फुल एक्टिव ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है, बिल्कुल पालने लायक है। लेकिन जो ये अटैक वगैरह सामने आते हैं ये ओनर्स की गलती से ही आते हैं, उनको इस डॉग ब्रीड को पालने का सही तरीका मालूम नहीं होता, वो इस डॉग ब्रीड को सही से रख नहीं पाते, जिसकी वजह से जो डॉग ब्रीड है एग्रेसिव हो जाती है और अटैक कर देती है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस ब्रीड को रखने का बिल्कुल सही तरीका कि कैसे इस ब्रीड को घर में रखा जाता है। तो भाइयों देखो, जब भी कोई डॉग एग्रेसिव होता है या फिर अटैक करता है उसमें डॉग की बिल्कुल भी गलती नहीं होती, गलती होती है सारी ओनर की, क्योंकि उसकी वजह से ही, उसकी गलतियों से ही डॉग एग्रेसिव होता है जिसकी वजह से वो अटैक कर देता है। तो सबसे पहली गलती जो सभी ओनर करते हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से 99% डॉग एग्रेसिव हो जाता है और उसी गलती की वजह से डॉग अटैक भी करता है, क्या वो गलती है? देखो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉग को बांध करके रखते हैं या फिर केज में बंद करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भाई, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने पिटबुल डॉग लिया, पपी लिया चाहे एडल्ट लिया, अब वो क्या सोचेगा यार पिटबुल डॉग ब्रीड है, इतनी एग्रेसिव है, इसको खोल के रखूंगा तो ये किसी पर अटैक कर देगी। तो वो क्या करता है, इसी सोच की वजह से ज्यादा अपने पिटबुल डॉग को चैन में बांध करके रखता है या फिर केज में बंद करके रखता है, जिसकी वजह से उसका डॉग एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है। भाई 99% इसी वजह से डॉग एग्रेसिव होता है और इसी वजह से डॉग अटैक करता है। भाइयों ये सिर्फ पिटबुल डॉग के लिए नहीं है, आप दुनिया की कोई सी भी डॉग ब्रीड उठा लो, अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बांध के रखते हो या फिर केज में बंद करके रखते हो तो नॉर्मल सी बात है एग्रेसिव होने लग जाएगी। देखो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी बंदे पे लैब्राडोर हो, सबसे फ्रेंडली डॉग ब्रीड मानी जाती है लैब्राडोर, लैब्राडोर हो तो वो एक दो हफ्ते के लिए अपने डॉग को बांध करके रखें और केज में बंद करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम समय के लिए उसको खोलें या फिर बाहर निकालें, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम के लिए जितना हो सके उसको बंद करके रखें। भाई एक दो हफ्ते में उसका नेचर देख लेना कितना चेंज हो जाएगा, वो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अटैक करने लग जाएगा। तो दोस्तों कभी भी हमें अपने डॉग को बांध के नहीं रखना चाहिए, ना ही उसको केज में बंद के रखना, केज में बंद करके रखना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी ब्रीड हो, 99% इसी वजह से आपका डॉग एग्रेसिव होता है और इसी वजह से अटैक करता है। और दूसरी गलती जो सभी ओनर्स करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका डॉग जो है एग्रेसिव हो जाता है, वो जब भी कोई नया पपी लेके आते हैं चाहे वो पिटबुल का हो चाहे किसी भी ब्रीड का, वो उसकी जान पहचान नहीं करवाते, ना ही अपने घर वालों से प्रॉपर करवाते, ना ही किसी आस पड़ोस वालों से। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या सोचते हैं वो, उन्होंने एक पिटबुल डॉग लिया, वो सोचते हैं यार अटैक वगैरह कर देगा, क्यों इसको घर में ही रखें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो घर में उस डॉग को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे कम से कम लोगों का आना जाना होता है, यहाँ तक कि घर वाले ही लोग उस जगह पे कम आते जाते हैं, इसलिए वो डॉग जो है घर वालों को अच्छे से पहचान नहीं पाता, ठीक है, ना ही आस पड़ोस वालों को। बाई चांस अगर वो कभी एग्रेसिव हो जाता और वो लोग सामने आ जाते तो उन पर अटैक के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया यही है, जब भी आप कोई डॉग लो चाहे वो पिटबुल हो या किसी भी ब्रीड का हो, जितना हो सके उसको सभी फैमिली मेम्बर से घुलने मिलने दीजिए ताकि वो आपके घर के सभी लोगों को अच्छे से पहचान जाए। यहाँ तक कि अगर आप कोई पिटबुल डॉग का पपी भी पालते हो तो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको भी उनके साथ खेलने दीजिए ताकि वो बच्चों को भी अच्छे से जान जाए और आस पड़ोस वाले से भी अपने डॉग की पहचान कराइए, ताकि बाई चांस अगर कभी ऐसा चांस पड़ता है अगर आपका डॉग एग्रेसिव होता है, अगर वो लोग सामने आ जाते तो उन पर भी अटैक ना करें, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है आपके डॉग को फ्रेंडली बनाने का। और दोस्तों तीसरी जो कि आपको करनी है, दोस्तों जितना हो सके अगर आप पिटबुल डॉग पालते हो या फिर कोई एग्रेसिव ब्रीड पालते हो, लाइक ग्रेट डेन हो गया, जाइंट ब्रीड है, पाकिस्तानी बोली भी जाइंट ब्रीड में आ जाता है और एग्रेसिव होती है, तो जितना हो सके इन ब्रीडों को ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर बाई चांस अगर आपके डॉग
एग्रेसिव होते हैं, तो आप उसको टाइम रहते समय रहते आप उसको हैंडल कर सकते हो, उसको अपने काबू में कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी कि वो किसी के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि यार अगर देखो किसी बंदे के ऊपर अटैक कर देता है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ओनर के लिए, पुलिस वगैरह, तो यार बहुत सोचना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। तो जितना हो सके अगर आप कोई डॉग लाते हो तो उसको ट्रेनिंग वगैरह दे दीजिए, ट्रेनिंग दिलवा दीजिए किसी अच्छे ट्रेनर से, ताकि उसको आराम से हैंडल किया जा सके अगर वो अग्रेसिव हो जाता है। दोस्तों ये तीन स्टेप थे, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करते हो भाई गारंटी लेता हूँ अगर आपका डॉग कभी भी अग्रेसिव हो जाए या किसी के ऊपर अटैक कर दे, बहुत अगर आप तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हो तो 100% आपका डॉग फ्रेंडली रहेगा, सबके साथ घुल मिल कर रहेगा और ना ही कभी किसी के ऊपर अटैक कर देगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।